आईपीएल के 15-16 सालों के इतिहास में मैंने बहुत मैच देखे हैं, लेकिन जिस तरीके का मैच गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ और एंड में रिंकू सिंह ने जिस तरीके की फिनिश निकाल करके दी है, आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ गेम इन T20s एट ऑल। मतलब मैच था भाई साहब, लेकिन ये क्या था, मतलब नोबडी लिटरली एवर थॉट कि आखिरी के ओवर में 5 छक्के भी लग सकते हैं। और अब थोड़ा सा समझ में आता है कि पिछले साल राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जब रॉबमन पावल बल्लेबाजी कर रहे थे, ओबद मैकोय गेंदबाजी कर रहे थे, तो नो बॉल जो नहीं दी गई थी उस पर ऋषभ पंत इतना गुस्सा किए हो गए थे, बिकॉज किंग रिकू कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड गुजरात टाइटन्स एंड यश दयाल जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की। और ये कोई उतना छोटा सा ग्राउंड नहीं था, अगर ये ईडन गार्डन्स होता, इंदौर का ग्राउंड होता, वानखेड़े होता, तो एक बार फिर भी आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंड कर सकते थे। बट अहमदाबाद के लिटरली वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम और एक बड़े ग्राउंड में एक बड़े क्रिकेटिंग फील्ड पर आखिरी के ओवर में हल्की सी धीमी हो रही पिच पर 5 छक्के जड़ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज भी आईपीएल में हो सकती है। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले कई सालों में हमें इस तरीके की चीज होती हुई दिखाई कतई नहीं देगी। मतलब 20-22 रन समझ में आते हैं, बट 29 रन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, कोई भी इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ रिंकू सिंह के वो 5 छक्के नहीं, एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो शुरुआत से फटाफट शुरू करते हैं, बिकॉज इस तरीके की रिव्यू वीडियोज मैं नहीं बनाता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है, तो थोड़ा सा प्रीव्यू वीडियोज भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बट जिस तरीके का मैच हुआ है, आई हैड टू गिव एन ओपिनियन, जो अपने अंदर का एक्साइटमेंट है उसको कहीं तो मुझे निकालना था, एंड हु बेटर टू शेयर इट देन माई फैमिली। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीता, अच्छा टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 12 ओवर में 100 के आसपास तक का स्कोर था, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने ठीक ठाक रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद जब विजय शंकर ने जिस तरीके की फिनिश प्रोवाइड की गुजरात टाइटन्स को, और जो उन्होंने आखिरी में अपने हाथ खोले शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी के सामने, हार्दिक पांड्या का अनअवेलेबल होना थोड़ा सा उनके फेवर में चला गया, बिकॉज आई थिंक अगर हार्दिक होते तो आपको विजय शंकर उस पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए ना दिखाई देते। और डेविड मिलर को जब उन्होंने नहीं भेजा था तो मैं थोड़ा सा शॉक जरूर हुआ था, बिकॉज आई थॉट कि जहां पर विजय आए थे वहां पर डेविड मिलर भी आ सकते थे। बट अच्छी बल्लेबाजी की यहां पर गुजरात टाइटन्स के विजय शंकर और पूरी गुजरात टाइटन्स की तकरीबन बैटिंग यूनिट ने 204 रन बनाए उन्होंने 20 ओवर में। और उसके बाद मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, बिकॉज बड़ा ग्राउंड है, हमने देखा था कि विकेट थोड़ी सी धीमी होने लगी थी, और केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने भी बाद में बताया कि विकेट थोड़ी सी धीमी हो रही थी। रिंकू सिंह ने भी इस बारे में बात की कि विकेट हल्की हल्की धीमी होने लगी थी। बट कुडोस टू वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह के इस तूफान के बीच में वेंकटेश अय्यर की धुआंधार पारी को हमें कतई भी नहीं भूलना चाहिए। 40 गेंदों में 83 रन बनाए यहां पर वेंकटेश अय्यर ने, और उन्होंने जिस तरीके के शॉट्स खेले दैट वाज वेरी कमेंडेबल, और 5 छक्के भी उन्होंने लगाए बहुत ही क्लीन हिटिंग की। और यही मेरा मानना था कि आपको थोड़ा सा नीचे भेजना चाहिए वेंकटेश अय्यर को, थोड़ा सा नीचे आप उनको भेजिए, बिकॉज शुरुआत में अगर आपने अच्छी शुरुआत करनी है तो नारायण जगदीशन आपके पास जब ओपनर है, तो जिस बंदे ने सारी जिंदगी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, भारतीय टीम के लिए भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, उनको आप थोड़ा सा नीचे भेजो। नीतीश राणा ने भी एक अच्छी कप्तानी पारी खेली, थोड़ा सा उन्होंने साथ भी निभाया वेंकटेश अय्यर का, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर हावी होने नहीं दिया। लेकिन हर बार की तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने खुद ही रास्ता ढूंढ निकाला मैच हारने का। तकरीबन जब आखिरी के 4 ओवर में 50 रन बनाने हो और आपके पास 6 विकेटें हाथ में हो, तो आप बैटिंग टीम को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते हो, स्पेशली इन द सेकेंड इनिंग लाइट थोड़ी सी जल जाती है, थोड़ी सी हवा में नमी आ जाती है, विकेट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। बट जिस तरीके से राशिद खान ने हैट्रिक ली, आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर राशिद खान, बिकॉज रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के तूफान में बेचारे उनका दिन खराब हो गया। कप्तानी का आपको मौका मिला है और आपने हैट्रिक लेके अपनी टीम के लिए मैच पलटा। आंध्र साल सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर जो कि पिछले मैच के हीरो थे केकेआर के, उनको आउट किया, और उसके बाद आखिरी ओवर में 29 रन जीत के लिए चाहिए थे, उमेश यादव ने सिंगल लिया, एंड वी सॉ रिंकू सिंह डिस्ट्रॉइंग यश दयाल, और यश दयाल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की। कमेंटेटर्स ने भी इस बारे में बात की कि जब
बल्लेबाज 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, आप उसको क्रिटिसाइज करते हो कि भाई थोड़ा तो तेज खेल सकते हो। तो जब गेंदबाज इस तरीके की गेंदबाजी करता है तो जितना आप बल्लेबाजी की तारीफ करते हो उतनी आपको गेंदबाज की स्क्रूटनी भी करनी चाहिए। खराब गेंदबाजी थी, लेकिन मेरा मानना है चाहे कितनी भी खराब गेंदबाजी हो, चाहे कितनी भी खराब बॉलिंग हो रही हो, इतने बड़े ग्राउंड में अंडर प्रेशर आखिरी ओवर में 5 छक्के मारना इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और रिंकू सिंह इज द स्टार ऑफ द शो एंड रिंकू सिंह विल रिमेन द स्टार ऑफ द शो फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन द आईपीएल 2023। और दो बहुत ही कमाल के मैच केकेआर ने जीते हैं, 90/5 हो गए थे पिछले मैच में, लॉर्ड शार्दुल ने आपको जिताया और उसके बाद किंग रिंकू ने आपको यह मैच जिताया है। लेकिन कुछ कमियां अभी भी केकेआर की हैं, जैसे आंद्रे रसल का बल्लेबाजी में ना चलना, गेंदबाजी में आप उनका उतना ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। कुड दिस बी द चांस टू ओपन विद इधर जेसन रॉय या फिर आप उनकी जगह डेविड वीजे को लाने के बारे में भी सोच सकते हो अगर आपको अपनी डेथ की गेंदबाजी बेटर करनी है। आंद्रे रसल को 2021 में ओयन मॉर्गन ने भी टीम से बाहर किया था टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, शाकिब अल हसन को वो लेकर के आए थे एज अ थर्ड स्पिनर। तो अब तो सुयश आपके पास हैं और शार्दुल ठाकुर के रूप में आपके पास एक फिनिशर भी है, ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो क्या डेविड वीजे का यहाँ पर केस बन सकता है डेथ बॉलिंग अच्छी करने के लिए? क्या गुरबाज और रॉय हमें ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये चीज़ कोलकाता नाइट राइडर्स को एक कमी उनकी ज़रूर देखनी होगी, बट दे आर ऑफ टू एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ स्टार्ट। एंड रिंकू सिंह लगातार 2 मैचों में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है एंड ही इज़ स्टार ऑफ द शो। और ये तो बस आईपीएल 2023 की शुरुआत है। अब मैं जाता हूँ, मेरा थोड़ा सा सांस और ज़्यादा फूल रही है, थोड़ी सी तबीयत और ख़राब हो रही है, बट आईपीएल 2023 की कवरेज पूरी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। सो स्टे And I will see you soon in the next video.